पार्लियामेंट का मुंह देख लेना ललन सिंह, उसके बाद पता चल जाएगा। 14 में अलग होकर के लड़े थे ना, कहा थे जब साथ आए तब मोदी 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 का नाम जप कर कर करके और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से संसद गए और धीरे धीरे नीतीश कुमार को कमजोर कर करके नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला देंगे और पार्टी को ले जाकर विलय करा देंगे आरजेडी में। यही मंशा है ललन सिंह का। तो औकात पता चल जाएगा। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, उनको पता है चुनाव में क्या हश्र होने वाला है। वो बाहर रख के नहीं कर सके तो नीतीश कुमार से सट कर कर करके नीतीश कुमार को कमजोर करना, एक एक व्यक्ति को नीतीश कुमार से अलग करना, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, आरसीपी सिंह हो, और अब देखे रणवीर नंदन, ऐसे तमाम लोगों का लंबी फेहरी था जिनको नीतीश कुमार से अलग करने का काम किया। कल ललन सिंह का एक बयान आया था कि बीजेपी में कोई का कोई पूछ नहीं है। पूछ कौन रहा है? अपने मुंह मियां बिट्ठू, ललन सिंह को औकात पता चल जाएगा। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, उनको पता है चुनाव में क्या हश्र होने वाला है, इसलिए भभक रहे हैं, धधक रहे हैं। अरे भाजपा का जब साथ मिला है तभी आप संसद का मुंह देखे हैं, और भाजपा से अलग तो हार का सामना करना पड़ा है। यही ललन सिंह है, और ये ललन सिंह तो जो ऐसे नीतीश कुमार को साथ रख के मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। ये कभी जो ऐसे नीतीश कुमार का ऑपरेशन करते थे, पेट के अतड़ी का दांत निकालने का काम करते थे, और वो ललन सिंह जिस मंशा को वो करना चाहते थे पूरा, वो बाहर रह के नहीं कर सके तो नीतीश कुमार से सट कर कर करके नीतीश कुमार को कमजोर करना, एक एक व्यक्ति को नीतीश कुमार से अलग करना, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, आरसीपी सिंह हो, और अब देखे रणवीर नंदन, ऐसे तमाम लोगों का लंबी फेहरिस्त है जिनको नीतीश कुमार से अलग करने का काम किया, और धीरे धीरे नीतीश कुमार को कमजोर कर करके नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला देंगे और पार्टी को ले जाकर विलय करा देंगे आरजेडी में। यही मंशा है ललन सिंह का, इसलिए वह कह रहे हैं। तो ले कौन रहा है? न ललन सिंह को कोई जो ऐसे पूछ रहा है, न नीतीश कुमार को कोई पूछ रहा है। नीतीश कुमार को तो हम लोगों ने बनाया था 43 सीट आने के बाद भी मुख्यमंत्री, और उन्होंने जनता के भरोसे को तोड़ने का काम किया, विश्वासघात किया, तो अब कौन भरोसा करेगा? जनता का विश्वास टूट चुका है, और जनता का विश्वास जिस पर से उठ जाए उस पर भारतीय जनता पार्टी कभी ना विश्वास करती है ना भरोसा करती है। लेकिन ललन सिंह ने ये भी कहा कि 7 जन्म तक के बीजेपी में हम लोग नहीं जाने वाले हैं। कोई अरे ले कौन रहा है 7 जन्म? अब जरा पार्लियामेंट का मुंह देख लेना ललन सिंह, उसके बाद पता चल जाएगा। 14 में अलग होकर के लड़े थे ना, कहा थे जब साथ आए तब मोदी 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 का नाम जप कर कर करके और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से संसद गए। जब भी संसद में जाना हुआ ललन सिंह को तो भाजपा के सहयोग से। जदयू बोल रही है कि हमारे संपर्क में बीजेपी के कई नेता हैं। जदयू विलीन होने वाली है, समाप्त होने वाली है, टूटने वाली है, और ललन सिंह तो वो चाह रहे हैं कि पूरी जदयू को ले जाकर के आरजेडी में विलय करा दे। उसी मंशा के लिए वो काम कर रहे हैं। तो बाकी जो आरजेडी के खिलाफ चुनाव जीत करके आए हैं विधायक सांसद, तो वो उनके पास टिकेंगे, रहेंगे, वो भागेंगे वहां से, इसलिए जदयू समाप्त होना है। लेकिन जिस तरह से कल सुशील मोदी का बयान आया था कि जदयू के कई नेता हमारे संपर्क में, उसी तरह के जदयू भी बोल रही है कि सुशील कुमार को अगर मेरे साथ आना है तो मेरे साथ आकर के हमारे साथ मिल जाए, उनके लिए स्वागत है। सुशील जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उनको पता नहीं है। और नीतीश कुमार की जो छवि बनी थी मिस्टर क्लीन की या विकास पुरुष की, न्याय के साथ विकास का, वो छवि भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, सुशील मोदी के सहयोग से बना था। अगर जो ऐसे उनको विकास पुरुष कहा गया तो उसमें वित्त मंत्री के रूप में सुशील मोदी ने वित्तीय प्रबंधन इतनी बेहतर तरीके से किया कि बिहार के विकास को लोगों को दिखाई पड़ने लगा, और उसी छवि को आज तक भुजा रहे हैं। तो अगर देन है नीतीश कुमार की ये छवि तो सुशील मोदी के कारण है। सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी के
जन्मजात कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, बड़े नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, वो किसी कहीं जाने उने वाले नहीं है। वो जो ऐसे भाजपा के साथ हैं, और जिनकी जो ऐसे चर्चा करिए, अब सुशील मोदी का तो गुड़थारी जो ऐसे ललन सिंह करते थे, ललन सिंह आकर करके उनके पैरों पर गिरते थे कि सुशील जी जरा चल कर करके हमारे लोकसभा में थोड़ा प्रचार कर दीजिए और अपने नेताओं से कह दीजिए ताकि हमारा जो ऐसे कल्याण हो जाए, हमारे जीत आसान हो जाए। तो ये काम जो ऐसे ललन सिंह सुशील मोदी से गुहार लगाते रहे अपने जीतने के लिए, और सुशील मोदी पर बोल रहे हैं आसमान में थूकने के बराबर। जो ऐसे लगातार नीतीश कुमार भ्रमण कर रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं तो कभी जदयू कार्यालय, तो कभी लालू यादव से मिले। आज एकाएक किसी को मालूम नहीं था और एकाएक जदयू कार्यालय पहुंचे, संजय जी को छोड़ करके वह निकल गए। नीतीश कुमार बेचैनी में है, वहां दबाव में है, जिस प्रकार से उनके ऊपर जो ऐसे दबाव है तो वो लगता है देख रहे हैं अजीब अजीब हरकत कर रहे हैं और सक्रियता भी बढ़ा दिए हैं, घूम रहे हैं, जा रहे हैं, इसलिए उनको लगता है कि अब जिस प्रकार से अपदस्थ करने के लिए उनके पार्टी के ही नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष लग गए हैं, राजद के साथ मेल जोल कर करके मिली भगत से, तो उस बचाव के लिए जो है से ये सक्रियता दिखा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।